हाय टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं दिनेश जोशी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत 22 ETF के ऊपर चर्चा का। अगर आप सरकारी PSU या अन्य बड़ी कंपनी में निवेश करने का कमाना चाहते हैं तो भारत 22 ETF आपके लिए लाए एक शानदार मौका। यह ETF जो कि आज से एंकर इन्वेस्टर के लिए ओपन हुआ है, जो कि ओपन रहेगा 17 सितंबर तक रिटेल इन्वेस्टर, 15 से लेकर 17 नवंबर तक। तो आवेदन कर सकते हैं आप रिटेल इन्वेस्टर इसमें 5,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक। इस ETF के में सरकार जो है 8,000 रुपए जुटाने की योजना बना रही है। डिसइन्वेस्टर का जो टारगेट था वो था गवर्नमेंट का 72,500 करोड़ का। इस ETF में तो काफी सफलता मिलने की उम्मीद जैसे इनको जताई, काफी सफलता देखी जा रही है। इस फंड का जो मैनेज कर रहा है वो है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड कर रहा है। ETF में CPSE, PSU बैंक और सूटी की कंपनियां शामिल हो रही है। कंपेयर करें इसके CPSE ETF से तो जो कि CPSE ETF था उसमें 10 स्टॉक थे और जो कि डिस्काउंट दिया जा रहा था उसमें था लगभग 5% का, और इस ETF में जो कि भारत 22 ETF है इसमें 3% का जो कि डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर को दिया जा रहा है। जैसा कि इसके नाम से ही दिखाई देता है कि इसमें भारत 22 ETF, तो इस ETF में 22 कंपनियां शामिल है जिसमें 16 महारत्न और एक मिनी रत्न कंपनी है। 6 सेक्टर जो कि इसमें 6 सेक्टर इंक्लूड हैं जिसमें शामिल है बेसिक मटेरियल, एनर्जी, फाइनेंस, FMCG, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटीज। अगर बात करें इसके डाइवर्सिफिकेशन की तो इस जो इस ETF में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा इसके CPSE ETF के मुकाबले। अगर मैं बात करूं तो बेसिक मटेरियल में नेशनल एल्यूमिनियम का इसमें 5% वेटेज रहेगा, और एनर्जी में बात करूं तो ONGC इंडियन ऑयल में लगभग 5% की हिस्सेदारी इसमें वेटेज बनाता है। फाइनेंस में SBI, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि इसमें काफी अच्छी वेटेज रखते हैं। FMCG में ITC जो कि सबसे बड़ा मुझे लगता है 14% की वेटेज इसमें रखता है। इंडस्ट्रियल में लगभग L&T और बेल में लगभग बेल में रहेगी आपकी 3% की वेटेज और L&T में रहेगा लगभग 17% की वेटेज इसमें देखी जा रही है। यूटिलिटीज में पावर ग्रिड हो गया, NTPC हो गया, ये दोनों स्टॉक इसमें लगभग 7% की वेटेज बना रहे हैं। तो देखते हैं कि 40% के आसपास होल्डिंग जो कि निजी कंपनी रहेगी और लगभग 60% सरकारी होल्डिंग रहेगी। तो इसमें भरोसा है कि इस NFO में निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सभी कैटेगरी के इन्वेस्टर को इसमें 3% की डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन्वेस्टर के लिए भारत 22 ETF एक शानदार मौका है जिसके माध्यम से एक अच्छी ग्रोथ की संभावना इस कंपनी निवेश के थ्रू देखा जा रहा है। भारत 22 ETF के जरिए छोटे निवेशकों को PSU में निवेश करने का सपना पूरा देखा जा सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किए जा रहे सुधार से PSU की स्थिति में अगर सुधार देखा गया तो इसमें काफी अच्छे मतलब बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो लेकिन अगर इसके उलट अगर तमाम सुधारों के बावजूद सरकारी बैंकों की खराब स्थिति अगर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी इसमें ना देख पाएंगे। पर जैसा कि इसका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है तो मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छा फायदेमंद के ETF सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच।